हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि हम गूगल शीट पर किस तरीके से हिंदी में टाइप कर सकते हैं और उन फॉन्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कृति देव है या इस तरह के फॉन्ट। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आगे चलकर के और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी ये तरीका समझिए। जैसे ये गूगल शीट ओपन है, अगर इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो थोड़ा पहले इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर वे में दिखाई दे ये। अब देखिए, अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूं मेरा नाम, तो ये देखिए मैंने लिखा मेरा, सिंपल वे में टाइप कर रहा हूं, मेरा नाम सूरज है, तो यहां पे लिखता हूं मैं सूरज। जैसे लिखते हैं आप इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, सूरज आ गया। फिर लिखना है तो यहां पे लिख दीजिए है और इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये एक बेटर वे है, आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं मैं, अब ये मैं आ गया। अब देखिए इसमें मैं आपको चूज करना होगा। अब यहां पे लिखता हूं एक, कंप्यूटर, तो ये है आपका कंप्यूटर। तो ये कुछ इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको कृति फॉन्ट नहीं मिलता है। यहां पर आपको हिंद मिलेगा लेकिन कृति नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज कीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे इसको, तो इसको डाउनलोड करने के लिए सीधा गूगल पे चले जाइएगा, यहां पर गूगल पे जाइए और यहां पर सर्च कीजिएगा गूगल इनपुट। ये गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड सर्च कीजिएगा और यहां पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये गूगल इनपुट टूल्स है तो यहां पर जाइएगा, तो ये ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन नहीं करना, आपको ऑफलाइन करना है। तो आपको ऑफलाइन के लिए कहां जाना है, ये देखिए यहां दिया हुआ है, ठीक है, इस पर जाइएगा और यहां से आप सॉफ्टोनिक जो आता है यहां से आप गूगल इनपुट टूल्स को आसानी के साथ डाउनलोड करिएगा और फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो ये देखिए यहां पर अलग अलग कीबोर्ड्स आपको दिख रहा है, नीचे गूगल इनपुट टूल्स दिख रहा है, तो बस यहां पर आ जाइएगा और जो भी टाइप करना है आप यहां पर टाइप करते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। मैं टाइप करना चाहता हूं गौरव, तो ये देखिए ऊपर गौरव आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस यहां पर गौरव लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो जो भी नाम आप देंगे वो गूगल इनपुट टूल्स की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये गूगल इनपुट टूल्स आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी।